के चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों को, रेवाड़ी वासियों को, सारे देश के वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और विश्व में हमारे देश की पताका फहरे। इस देश में जो है ये वर्ष बहुत समृद्धशाली हो सबके जीवन के लिए, सुखी सब लोग रहें, शांति पूरे देश के अंदर बनी रहे, ऐसी मंगल कामनाएं मैं करता हूं, सबको शुभकामनाएं मैं देता हूं। सर, 2020 आने वाला है तो रेवाड़ी शहर में आप क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या बदलाव आए रेवाड़ी शहर की राजनीति में और उसके हाव-भाव में, अब तक क्या देखना चाहेंगे? देखिए, 2019 में अभी ये विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो अभी 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है। 5 साल की सरकार जो मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले 5 साल में जितने काम प्रदेश के अंदर किए हैं, रेवाड़ी में जितने विकास के काम हुए हैं, हम आशा ही नहीं पूरा विश्वास रखते हैं कि जो आने वाला समय है वो निश्चित तौर पर रेवाड़ी के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए एक नई दिशा और नई दशा तय करने वाला होगा और विकास में जो है ये दुनिया के अंदर अग्रसर हिंदुस्तान होगा और पूरे देश के अंदर हरियाणा अग्रसर होगा और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। और हमारा रेवाड़ी तो 2020 से जो शुरुआत होगी वो 2020 से अगले 2-3 साल के अंदर ये रेवाड़ी हिंदुस्तान के मानचित्र पर, गुड़गांव को भी पीछे छोड़कर उससे भी आगे रेवाड़ी निकल जाएगा, क्योंकि अब जितने भी विकास के काम हैं इस बारे NCR में उसका यदि कोई मॉडल बनने वाला है तो ये रेवाड़ी जिला ही बनने वाला है। नेशनल हाईवे के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये यहाँ तक मेट्रो प्रस्तावित है, उसका काम शुरू हो गया है, तो नए रूप के अंदर ये रेवाड़ी आपको दिखाई देगा आने वाले समय में। विपक्ष अभी रेवाड़ी के विधानसभा सीट है वो विपक्ष के कांग्रेसी चरणजी राव के पास है, तो क्या आपको लगता है कि जो आई बार लगते हैं भेदभाव के आरोप विपक्ष सरकार पर कि भेदभाव करके जो अदर MLA होते हैं अदर विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की सरकार है। पिछली बार हमारे 47 विधायक चुन के आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जहां 43 जगह हम हार गए थे वहां भी हमने समान रूप से विकास के काम किए। विपक्ष का MLA है वो एक अलग बात है, लेकिन विकास के मामले में हम लोग सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं, इसलिए हरियाणा में जहां विकास होगा उतना ही विकास जो है करनाल में भी होगा, उतना ही विकास रेवाड़ी में भी होगा, उतना ही विकास गुड़गांव में भी होगा। कोई भेदभाव करके हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम सब जगह सम दृष्टि रखने वाले लोग हैं और वही हमारी धारणा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी। सर, 2020 में आपसे जैसे अभी पूरे बनी हुई थी कि आपसे उपाध्यक्ष का पद ले लिया गया है चीफ के दबाव में, तो आप 2020 में अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये चेंज होगी, देखिए ऐसा है कि ये राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं और ना हम लोग तो उस समय से इस पार्टी के अंदर हैं जब इस पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, पार्टी नई बनी थी, तो ना इन सब बातों के लिए हम कोई महत्वाकांक्षा लेकर राजनीति शुरू की थी, ना आज तक कोई महत्वाकांक्षा रखी है। हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो दूसरे लोग हैं वो कब आएंगे, कब जाएंगे, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हम लोग जो है इसी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, इसलिए ना कोई हमारा बाल बांका कर सकता है, ना हमें कोई पार्टी से दूर कर सकता है। हम जित मजबूती से पार्टी का काम आज तक करते आए, आगे भी उसी मजबूती के साथ करते रहेंगे।